तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हर मेथड की तरह ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, बहुत यूज़फुल है, लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड क्यों लगाते हैं। इंटीग्रेशन की जितनी भी मेथड हमने अब तक पढ़ी हैं उसमें आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका इंटीग्रल होगा लॉग मॉड एक्स माइनस ए, यानी कि अगर लीनियर फैक्टर एक हो डिनोमिनेटर में तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रल इसी तरह से हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी। अगर हमें डिनोमिनेटर में तो नहीं बल्कि न्यूमरेटर में दिए हो एक नहीं दो दो फैक्टर्स, तो बच्चों दो क्या तीन चार पाँच जितने भी हो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर आपको यही फैक्टर्स दो फैक्टर्स डिनोमिनेटर में मिले, दो फैक्टर्स रहेंगे यहाँ एक था तो इंटीग्रेशन हो सकता था, लेकिन अब दो आ गए हैं। फिलहाल ऐसी कोई मेथड नहीं जानते हैं जिसमें कि हम लोग इन दो का इंटीग्रेशन कर सकें, तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो दो फैक्टर्स हैं ना ये किसी मेथड से अलग अलग हो जाएं। ये कैसे हो जाए? अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। जैसे ही बच्चों ये सेपरेट होंगे तो हम दोनों कर लेंगे अब इंटीग्रेशन। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी ही मेथड है जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को सेपरेट करते हैं। इट इज़ अ मेथड टू सेपरेट द डिनोमिनेटर। समझ में आई बात? पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन की मेथड नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन से अलग एक मेथड है जिसमें हम लोग ऐसे टर्म्स को अलग अलग करते हैं। अब जैसे ही अलग अलग हो जाएंगे उसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है। तो दैट्स वाई पार्शियल फ्रैक्शन, और इसलिए इस मेथड का यूज़ करना। इसके बाद से तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए हमने तीन फैक्टर्स लिए हैं, वन बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। कैसे इंटीग्रेट होगा? बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर हैज़ थ्री फैक्टर्स, कौन सा मेथड लगेगी? पार्शियल फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में फैक्टर बने हुए मिलेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना, ठीक है। अब हमेशा फैक्टर ही तो नहीं बना के देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इक्वेशन फॉर्मेट में दें। ऐसा इक्वेशन तो हम पहले भी इंटीग्रेट कर चुके हैं, लेकिन पहले मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो जब फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के उसको अलग अलग करते हैं और स्पेशल सिक्स फार्मूले में से कोई एक लगाते हैं, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इसके फैक्टर बन जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करेंगे और फिर तुरंत इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या समझ में आया बच्चों, कब लगानी है पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड? जब आपको जो इंटीग्रैंड दिया हो उसमें फैक्टर बने हुए नज़र आ रहे हो, या एक ऐसा इक्वेशन हो जिसके आप फैक्टर बना सको, तो आपको यूज़ करना है ऐसे इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल समझें, अपन को छोटी सी कंडीशन समझनी होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कंडीशन है, हर फंक्शन में नहीं लग सकता, एक कंडीशन है कि जो आपका इंटीग्रैंड है ना वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर में जो पावर है एक्स की, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, हम देख सकते हैं कि इसमें तो एक्स न्यूमरेटर में ज़्यादा पावर है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता, भले ही एक्स प्लस वन फैक्टर टाइप का दिख रहा है भले ही, तो ये इसको कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। बात करते हैं इसकी x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें फैक्टर एक मिनट में बना लोगे तुम लोग x माइनस वन एक्स प्लस वन, क्या इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है? यस, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर से कम है, डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज कंडीशन फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप बच्चों इतना समझ में आ गया आपको। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, क्यों यूज़ करना है और कौन से फंक्शन के लिए वो लगाया जा सकता है, ये बात समझ गए अपन। अब बात करते हैं कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था बच्चों, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है जिससे हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके कुछ रूल्स होंगे, तो अब हम लोग उन रूल्स को समझ लेते हैं। एक बार अगर रूल समझ में आ गए आपको तो इस मेथड में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। फर्स्ट रूल क्या है? अगर आपके पास इंटीग्रैंड, पहली शर्त तो मैंने बता दी कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए,
ठीक, न्यूमरेटर में कोई भी इक्वेशन हो और डिनोमिनेटर में आप देखें कि जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे से अलग है, x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस, मतलब आपस में दोनों फैक्टर कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे से अलग होने चाहिए। अगर दो अलग अलग फैक्टर डिनोमिनेटर में है तो रूल कहता है कि आप इसको ऐसे सेपरेट करना, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब आप पूछ सकते हो कि ए और बी क्या है, दे आर कॉन्स्टेंट विच वी हैव टू फाइंड, ये वो कॉन्स्टेंट है जो हमें अभी निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग का स्टेप क्या होगा, ये होगा, अलग अलग फैक्टर होंगे तो कैसे सेपरेट करना, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। कोई रूल नहीं है, किसी फैक्टर को भी कभी कहीं पर भी लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड रूल, हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीन फैक्टर्स हैं, तो अगर तीन फैक्टर्स हैं तो क्या करना है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, ठीक। जितने बच्चों जो भी जितनी भी डिग्री होगी ना एक्स की, मतलब मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने कांस्टेंट यूज करना है। यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर थी, तो हमने दो कांस्टेंट यूज किए, यहाँ पे मैक्सिमम पावर थ्री है, तीन कांस्टेंट यूज किए। ध्यान से दो रूल समझ में आ गए। थर्ड रूल, अगर फैक्टर्स दो तो हो लेकिन वो आपस में इक्वल हो, एक जैसे हो, एक्स माइनस ए स्क्वायर का क्या मतलब है, दोनों फैक्टर सेम है, तो क्या होता है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर, ऐसे करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए की एक पावर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए की दो पावर, ठीक। और मान लो बच्चों यहाँ क्यूब हुआ होता, अब आप इसी रूल को आगे बढ़ाइए, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए क्यूब, आप सब कुछ समझ गए हो अब, ठीक है। लेकिन रूल हम दो ही के लिए बताएंगे, तो ऐसे ही हो, अगर होगा तो अपन ऐसे करना है। चलिए तीन रूल आप लोग सब समझ गए हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रूल। नीचे तीन फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, उसमें से एक फैक्टर तो अलग है लेकिन बाकी के दो फैक्टर एक जैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ए अपॉन, पहले तो ये जो एक जैसे है उसको डील करते हैं इसके जैसे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस, अब ये अलग है तो इसको सी के नीचे दे देते हैं, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। तो ये ऐसे सेपरेट करना है। चार रूल समझ में आ गए बच्चों। अब फिफ्थ रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो रूल ये है बच्चों, अगर डिनोमिनेटर में एक ऐसी टर्म है जिसमें एक फैक्टर तो आप सही सलामत बना पाते हैं लेकिन बाद में एक ऐसा इक्वेशन आता है जिसके कोई रियल फैक्टर ना हो, दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो उसको तुम फैक्टराइज ही ना कर पाओ, मैंने जानबूझ के एक ऐसा इक्वेशन ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपको पता है इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, है ना, प्लस आई माइनस आई इसके फैक्टर्स होंगे, अगर बनाना चाहें आप तो इमेजिनरी नंबर्स में तो जाना नहीं है, हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज एज अ रियल फैक्टर्स। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि एक फैक्टर बना बनाया रहेगा और बाकी एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसको तुम फैक्टराइज ही ना कर पाओगे, तो क्या करना है, तो ए अपॉन जो फैक्टर बना हुआ है उसके नीचे ए को, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब इस इक्वेशन को तो तुम अलग ही अलग नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना है, बी एक्स प्लस सी अपॉन ये, जो भी इक्वेशन जिसको तुम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो बच्चों उसके ऊपर क्या लिखना है, बी एक्स प्लस सी, समझ गए। तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिक रूल, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ ये पहला स्टेप है, उसके बाद वैल्यू कैसे निकालनी है वो हम मेथड में सब समझाएंगे आपको, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे ए बी सी निकालना है, हम आपको सब बताएंगे, बट दिस इज द बेसिक स्टेप विच यू हैव टू रिमेम्बर। तो इतना आपको याद रखना है पार्शियल फ्रैक्शन का बच्चों, ये पहला स्टेप है।